जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजाज, मशीराबाद असेंबली इंचार्ज BSP। हमारे मशीराबाद असेंबली में, कॉन्स्टेंसी में, जो KCR साहब से जो फंड ला रहे हैं, दलित बंधु है 10 लाख रुपए का, और जो है नया निकाले माइनॉरिटी लोन 1 लाख रुपए, इसमें जो है तकरीबन लीडर्स और MLA साहब के, हमारे MLA साहब की टीम जो है ना, दलित बंधु में से दलित भाइयों का हक 5 लाख 1000 है, माइनॉरिटी लोग माइनॉरिटी लोन जो दे रहे हैं मुसलमानों के लिए, उसमें जो है माइनॉरिटी लीडर 1,20,000 रुपये 1,000 है। KCR साहब, ये क्या कर रही है हुकूमत? अब इसे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। कार्पोरेट कर चल रहा है यहाँ पे, चोरी का काम थोड़ा चल रहा, और जो भी स्कीम आने का इसमें ऊपर तुम्हारे लीडर 1,000 है, आवाम को क्या मिल रहा था? इसके लिए सख्त से सख्त आवाज उठा के मशीराबाद असेंबली में हमारे RS प्रवीण कुमार साहब कहते हैं, गरीब मजलूम का हक मजलूम को मिलना चाहिए, नहीं मिलने की सूरत पे RS प्रवीण कुमार साहब की हिदायत के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, साहब के कन्वर्ट में रह गए, हम ये काम कर रहे हैं RS प्रवीण कुमार साहब की गवर्नमेंट में। जय भीम, जय भारत, जय RSP, जय BSP, जय भीम, जय भारत। BSP काम करेंगे, और जिसको भी जो भी आदमी पैसे पूछ रहा था माँ को माइनॉरिटी लोन में, तो उसको बात पता मेरे को फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। हम BSP पार्टी से उनके सामने रह के आपको पैसे दिलाएंगे, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा है 1 लाख रुपए जो दे रहे KCR था, वो आपके है, आपको 1 रुपया किसी देने की जरूरत नहीं है। ये करप्शन चल रहा मशीराबाद असेंबली के अंदर पूरे, और जो है लीडर जो है पूरे मिलके ये काम कर रहे हैं। ये रिलीज होने से MLA साहब हो या KCR साहब हो या KTR साहब हो, आप वहाँ सख्त से अपने हाथों से उनको दो, 1 रुपया किसी भी नहीं मिले, गरीब आवाम को मिले। दलित बंधु में भी आधे के ऊपर उन्होंने ले ले रहे तुम्हारे लीडर, और जिसको मिलना है उसको नहीं मिल रहा, और जो है ना ग्रुप डिज्म चल रहा है इसमें भी। इसके लिए BSP पार्टी आवाज़ उठा के काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जय भीम, जय भारत।